वर्तमान में चंद्रपुर में एक आश्रय उल्लेखनीय 600 से अधिक बिल्लियों, कुत्तों, मवेशियों, खरगोशों और गायों का घर है। इनमें से प्रत्येक प्राणी ने एक दर्दनाक अतीत को सहन किया है, लेकिन एक व्यक्ति के प्यार की समर्पित टीम द्वारा प्रदान किए गए अटूट प्यार, देखभाल, करुणा और उपचार के साथ उनकी बेजुबान जानवरों की कहानियों को फिर से सुखी करने के लिए इनका दृढ़ निश्चय है। प्यार फाउंडेशन को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जानवरों की बढ़ती संख्या और विविधता को देखते हुए पशु प्रेमियों का योगदान सुनिश्चित करता है कि इनको पौष्टिक भोजन और आवश्यक देखभाल मिलती रहे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं जिन्होंने एमटेक की पढ़ाई पूरी की है और एमबीए किया और फिर अपनी पीएचडी बीच में ही छोड़कर अब वो 24 घंटे जानवरों की सेवा करके उनको बचा रहे हैं। हालांकि कई भारतीय माता पिता इस आदमी के जीवन विकल्पों को पसंद नहीं कर सकते हैं, फिर भी यह सच है कि 2018 के बाद ये एकमात्र कारण रहा जिसने अनगिनत जानवरों को नया जीवन मिला है। इस भावुक पशु प्रेमी ने 2018 में प्यार फाउंडेशन की शुरुआत की। वो जरूरतमंद कई जानवरों को बचाना चाहते हैं, अब ये उनका एकमात्र मिशन है। आगे की कहानी खुद उनकी जुबानी सुनाते हैं। एक डॉग के पूरे छाती से सलिया गड़ा गया था, तलवार सा गड़ा दिया गया था और वो आर पार जाके उसके वो पूरे बुनते से पूरे इलिया गिर रहे थे, वो रस्तों पे भाग रहा था। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग आज क्विट कर दें, इसके बाद ना करें, लेकिन दूसरे दिन ऐसा कोई जानवर आ जाता जिसका हमारे सख्त ज़रूरत पड़ती है। इमोशंस कहो या अटैचमेंट कहो, मुझे ये पशुओं के साथ बहुत ज़्यादा है। सो प्यार फाउंडेशन जो है संस्था शुरू हुई 2018 और इसका जो मेन मोटिव है वो है पशु रक्षणाय सदैव तत्पर। पूरे 150 किलोमीटर में प्यार फाउंडेशन एकमात्र शेल्टर है, एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पे एक प्रॉपर ओटी है। लोग यहाँ पे प्यार फाउंडेशन में 750 जानवरों का ख्याल रखते हैं जहाँ पे उनका रेगुलर ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन होता है। इसके अलावा 550 से 650 जानवर जो बाहर में जिन्हें हम लोग यहाँ नहीं रख सकते उनका ट्रीटमेंट ऑन रोड होता है। एवरी डे इज़ ए चैलेंजिंग डे फॉर मी क्योंकि हमारे पास फंड्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ हेल्पिंग हैंड्स नहीं है क्योंकि गाय इतने सारे आते हैं, डॉग्स इतने सारे आते हैं हमारे पास में। एट प्रेजेंट अगर मैं कहूँ तो भी 250 एनिमल्स अंडर ट्रीटमेंट है। उनको रोज पट्टी लगाओ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पट्टी नहीं रहती तो हम लोग साड़ियाँ जो रहती साड़ियों को फाड़ के उसके पट्टी बना के स्टराइल करके यूज़ करते हैं। इतना बुरा हालत हमारा यहाँ पर होता है। जो जो कमियाँ आ रही है, जो जो कमी जैसे कि एम्बुलेंस हुआ, एक्सरे मशीन हुए, सोनोग्राफी मशीन हुआ, हर एक वो चीज़ मेडिसिन जो हमको ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि हम लोग बहुत रिमोट एरिया पे रहते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ करके हमारी मदद करें, प्लीज़ कि कोई भी जानवर हमारे हाथ से छूटे ना जिनका हम लोग मदद ना कर पाए और वो एक नई जिंदगी आपके कारण पा पाए। ये हैं देवेंद्र रापेली। इनके इस देवीय कार्य के लिए हम इन्हें न केवल चंद्रपुर रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित कर रहे हैं बल्कि आज से हर महीने 3,000 रुपए पार्थशर समाचार की ओर से प्यार फाउंडेशन को देने का वचन भी दे रहे हैं। इन्हें ऐसे 100 दाताओं की जरूरत है, इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि या तो आप भी 100 रुपए रोज या 3,000 रुपए प्रति महीना दें या किसी व्यक्ति से इन्हें दिला दें। आमंत्रित हैं एनिमल एक्टिविस्ट देवेंद्र रापेली, चंद्रपुर गौरव पुरस्कार 2024 के विजेता।